Hello, welcome back to the channel. Today we are going to start exercise of chapter number 1, that is ecology. And in this particular chapter, we will discuss MCQs in a bit different detail. तो हम इसमें देखेंगे along with the reasoning कि कौन सी जो options हैं वो हैं which are the correct options and which options are not correct and which supposed to be ignored. So, the first MCQ is going to be the phenomenon which does not lead to global warming. ऐसा कौन सा phenomena है in given options में से जो global warming cause नहीं करता और बाकी तीन करते हैं. तो पहला ऑप्शन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हेन हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस बाय द सब्सटेंसेस. तो बेसिकली यहाँ पे जो हीट है इट इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड. सन से रेडिएशंस आती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी निकलेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बी मूविंग बैकवर्ड. तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिएशंस हैं ये अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, रुक जाती हैं. डिफॉरेस्टेशन होती है, क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड, वो जगह जहाँ पे फॉरेस्ट लगे हुए होते हैं उनके उनको कट डाउन कर दिया जाता है. ओजोन डिप्लीशन क्या होता है कि थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमोसफेयर. एटमोसफेयर इज बेसिकली लेयर ऑफ गैसेज विच इज सराउंडिंग अर्थ, और ये हमें सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. तो अगर हम ये थीरी है कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, तो ये जो ओजोन है इट इज़ गोइंग टू बी थिनर, इसमें होल्स हो जाएंगे. और अगर इसमें होल्स होंगे तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रेडिएशन जो हैं वो डायरेक्टली रीच आउट करती हैं अर्थ की सर्फेस को. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ फोटोसिंथेसिस. बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में सनलाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, उसको यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं कि वो प्लांट्स की ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है. साथ ही ये क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को इवन कम करने के लिए यूज होता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेन एवर देयर मोर प्लांट्स, प्लांट्स आर गोइंग टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स उसको इनटेक करते हैं, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा उतना ही हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा. इट इज इट मेक्स इट इवन फाइन टू लिव ऑन द अर्थ सर्फेस. So this was option number D for the first answer. Next point came out to be the feeding level of an organism in an ecosystem is called trophic level. तो यहाँ पे क्या है कि option A is the correct one. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी feeding level की बात हो तो हम कहते हैं trophic level. इसी तरह से सक्सेशन लेवल हम कहते हैं कि वो वाला ऑर्डर जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज की कुछ कॉलोनीज रह रही होती हैं, इसका फूड से कोई कंसर्न नहीं होता. ट्रॉफिक लेवल में हम बेसिक पे रखते हैं प्रोड्यूसर्स को, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरह से. तो वहाँ पे बेसिक अगर फीडिंग लेवल की बात हो तो वहाँ पे ट्रॉफिक लेवल ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. बी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं, फीडिंग लेवल की बात ही नहीं करनी है हमने. ऑप्शन नंबर सी है, वो क्यों है? क्योंकि सी नहीं हो सकता है, बिकॉज फूड चेन तो है कि एक ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेट आउट करते हैं, उनको प्लेसिंग करते हैं कि जी सबसे पहले हमारा वो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं. फूड वेब ऑब्वियसली इट्स अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स. यहाँ पे हम डिफरेंट फूड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड चेन का एक आइडिया आइडियोलॉजी होती है. तो दैट्स इट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. थर्ड एमसीक्यू वुड बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. क्या आप किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को वी आर ग्राफ प्लॉट आउट करते हो? तो फूड चेन नहीं हो सकता है क्योंकि एक लीनियर होता है. लीनियर का मतलब होता है लाइन वाइज ग्रेजुअल अरेंजमेंट. ट्रॉफिक के लिए फीडिंग लेवल का होना जरूरी है. प्रेडेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इट्स अ लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू ईच अनदर ऑर्गेनिज्म. इसको हम फेनोमेना को, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन
प्रे जिसको खाया जाता है एंड प्रेडेटर जो खा रहा होता है. तो लाइन और बोट की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कंसर्न चैप्टर में. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो इकोलॉजिकल पायरामिड इज द आंसर. क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है एक पायरामिड बना सकते हैं. इसमें हम ग्राफ्स के अकॉर्डिंग या पायरामिड के अकॉर्डिंग जो है सर्टेन रिलेशनशिप को डिस्प्ले कर सकते हैं. Next would be MCQ number 4. All the food chains are joined together. Different food chains का अगर हम आपस में interconnection बनाए, interlinkage बनाए, that is going to be the food web. Ecological pyramid के लिए graph होना जरूरी है, तो ये answer नहीं हो सकता है. Food web जो है इसका ये मतलब होता है कि आप फूड वेब इसका करेक्ट आंसर है. सो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मल्टीपल फूड चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. ट्रॉफिकल लेवल दोबारा से आ गया है, तो बेसिकली यहाँ में हमें फूड लेवल या फीडिंग लेवल का होना ऑप्शन का रिक्वायर्ड है. अगर वो नहीं होगा तो हमारा ये आंसर इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. The energy of the sun is trapped as chemical energy by producers. Option A is the correct answer because plants are going to trap sunlight और फिर वो sunlight को use करते हैं और उसको फिर transform कर देते हैं. Secondary consumers खुद producers से ले रहे होते हैं और indeed primary simply producers फिर primary consumers फिर वहाँ से secondary और फिर ultimately tertiary consumers. Consumers that actively hunt other organisms are called. Hunt का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार करना. तो वो कौन से कंज्यूमर्स होते हैं जो दूसरी इंडिविजुअल्स का शिकार करते हैं, उनको खा जाते हैं. तो प्रे तो वो वाली स्पीशीज होती हैं जिनको खाया जाता है, जिनका एक्चुअली शिकार किया जाता है. प्रेडेटर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेडेटर्स वो होते हैं जिनका शिकार, जो शिकार करते हैं. तो अगर हम यहाँ पर लिखते कि कंज्यूमर्स दैट गॉट हॉन्टेड, ठीक है, दैट गॉट हंट अप और दैट आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड और कॉट अप बाय द प्रीडेटर, तब वहाँ पे प्रे आंसर होता. बट अब यहाँ पे चूंकि खाने वाले की बात है तो प्रीडेटर है. सिम्बायोंट को हम आगे डिटेल में देखते हैं. कॉम्पिटिटर क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सिंपली व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट. ये सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, ये कुछ ये स्पीशीज को प्रोपोगेट करने के लिए या फिर लीडरशिप के लिए भी हो सकता है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली. ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस. तो यहाँ पे क्या है कि दोनों गिव एंड टेक से काम करती हैं. ऐसे कुछ वे गिव एंड टेक का काम होता है दोनों, जैसे कि एलजी है, एलजी ट्रीज के ऊपर ग्रो करता है, ट्रीज से फूड लेता है और फिर वो ट्रीज को इनडीड वहां पे कवर अप करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. फिर आता है प्रीडेशन. प्रीडेशन में क्या होता है कि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक को खाया जा रहा होता है, एक खा रहा होता है. कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, एज द नेम सजेस्ट, वहां पे तो झगड़ा हो रहा होता है. नेक्स्ट है वी कैन सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय. ऑप्शन ए इज रिड्यूशन, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन या रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ठीक है. प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने से, ये भी ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज की, जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके उनके सर्वाइवल में हेल्प आउट करके कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इसकी थ्री रीजंस होती है. माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली सीजनल मूवमेंट ऑफ ऑल और सम और अ फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल. जब कोई भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट आउट कर जाए, मे बी इन सर्च ऑफ फूड, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन. ओवर हंटिंग क्या होता है? टू हंट समवन. जब आप कहीं भी एक्सेसिव हंटिंग करते हैं, जब बहुत ज्यादा कहीं किसी जगह पर शिकार हो जाए होता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर हंटिंग. लाइक वाइज ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन या कोई भी एक पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा ग्रो कर जाए, तो वहाँ पे जाहिर है कि फीडिंग का इशू हो सकता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन. ये सारे के सारे जो इशूज़ हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. थैंक यू. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स. हिट लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.